दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के बेहतरीन ऑलराउंडर राशिद खान ने इंडिया के साथ मैच से पहले अपना असली रंग दिखाते हुए न केवल भारतीय टीम की जमकर बेइज्जती की बल्कि हमें खुली धमकी देते हुए हमारा मजाक भी बनाया। इसका बदला लेने के लिए कप्तान रोहित शर्मा खुद इस जंग में कूद पड़े और अपने तीखे शब्दों से राशिद खान की केवल बोलती ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान टीम ने खलबली मचा कर रख दी। तो आखिर कैसे कप्तान रोहित शर्मा ने मौके का फायदा उठाते ही राशिद खान को अपने शब्दों से धो डाला बल्कि उन्हें अपनी बातों से सबक सिखा दिया। उन दोनों के बीच हुई जंग का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने अपने विश्व कप के पहले मुकाबले में कंगारू को करारी धूल चटाकर पूरे क्रिकेट जगत में गदर मचा दिया। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर भारतीय की टीम की खतरनाक गेंदबाजी की गई। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 199 रनों पर बिखर गई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम का भी बुरा हाल रहा। भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन के बाहर लौट गए। एक के बाद एक कुल तीन बल्लेबाज केवल 2 रनों के स्कोर पर भारत का साथ छोड़ दिया, मगर केएल राहुल और विराट कोहली ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए भारतीय टीम के जीत की दास्तान लिख दी। इन दोनों बल्लेबाजों ने केवल अर्धशतक ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए और इस मैच को अपने नाम कर लिया, जहां भारतीय टीम का अपना पहला मुकाबला विश्व कप में जीतकर हौसला सातवें आसमान पर है। तो वहीं अफगानिस्तान टीम को बांग्लादेश के खिलाफ मिली करारी हार के बाद भी उनके खतरनाक ऑलराउंडर राशिद खान ने अगले मुकाबले के लिए भारतीय टीम को खुली चुनौती देते हुए धमकी दे डाली है। इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला 11 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। यह मुकाबला भी बेहद कांटे का होने वाला है, जहां करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस इस मुकाबले को भी देखने के लिए बेहद इंतजार कर रहे हैं। मगर मैच से पहले ही राशिद खान ने भारतीय टीम को धमकी देकर पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया, लेकिन गुस्से से लाल पीला होकर कप्तान रोहित शर्मा ने उनको करारा जवाब देते हुए उनकी बोलती ही नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान में हड़कंप मचा दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं इन दोनों के बीच हुई जुबानी जंग किस हद तक पहुँच गई और क्या कुछ हुआ, कैसे रोहित ने करारा जवाब देकर पूरे अफगानिस्तान टीम को हैरान कर दिया बल्कि अपनी बातों से राशिद खान को धो डाला। अफगानिस्तान की ऑलराउंडर खिलाड़ी राशिद खान ने धमकी देते हुए कहा कि हम किसी भी हाल में भारत के सामने जीतकर विश्व कप में शानदार आगाज करेंगे। ये मुकाबला हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमें भारतीय टीम बेहद कमजोर नजर आ रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का पूरा टॉप ऑर्डर बिखर गया था। हमारे गेंदबाज भी इसी तरह से प्रदर्शन करके पूरी टीम को ध्वस्त करेंगे। वहीं मेरा पूरा निशाना विराट कोहली के विकेट और केएल राहुल के विकेट पर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि नवीन उलहक भी अपना बदला विराट कोहली से जरूर लेंगे। हमारी टीम इस मैच के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमने जीतोड़ मेहनत की है और किसी भी हाल में इस बार भारत को जरूर हराएंगे। वहीं टीम के कप्तान रोहित शर्मा राशिद खान को अपनी बातों से लताड़ते हुए कहा कि बहुत कम समय बचा है, जल्द पता चल जाएगा कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। हम और हमारी टीम खेल भावनाओं के साथ मैदान पर उतरेगी। हमें किसी भी चीज का बदला नहीं लेना है। हमारी टीम का पूरा फोकस मैच पर होगा और हम शानदार प्रदर्शन करेंगे। किसी भी हाल में हम भी जीतने की कोशिश करेंगे। हमारे खिलाड़ी गेंदबाज हर कोई शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है। हमें शुभमन गिल के न होने से थोड़ा उसकी कमी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन हमारे पास गिल की जगह भरने के लिए कई खिलाड़ी हैं। हम वो गलती नहीं दोहराएंगे जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में की थी। पूरा फोकस के साथ मैदान पर उतरेंगे और जी जान लगाकर मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे रोहित शर्मा ने अपनी बातों से राशिद खान को लताड़ कर उनकी बोलती बंद कर दी। लेकिन अब आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में कौन सा बल्लेबाज अफगानिस्तान के खिलाफ शतक ठोकेगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।